तो फ्रेंड, मैं कल्पना कौशल ग्रीन होम से आपका वेलकम करती हूँ। ये फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे पौधे पर कितनी ज़बरदस्त तरीके से मिलीबग कीट ने अटैक किया हुआ है पूरे पौधे पर। गर्मी का सीजन शुरू होता है और इसमें फ्लावरिंग शुरू होने लगती है, जैसे ही वैसे ही मिलीबग बहुत तेज़ी से हमारे कुछ पौधों पे, जैसे गुड़हल, मिर्ची, आम के पेड़, काफ़ी उस पे मिलीबग का बहुत तेज़ी से अटैक होता है। इनके साथ साथ चींटियाँ भी इसमें बहुत लगने लगती हैं साथ में। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी मिलीबग किस तरह से लगी हुई है। अब ये हमारी जो पौधे की कलियां हैं इनको ये गिरा देगी, खिलने नहीं देगी, क्योंकि ये धीरे धीरे रस चूसते हैं। और फ्रेंड, ये जो हमारी कोमल टहनियां होती हैं बिल्कुल ऊपर के जिस सिरे होते हैं, ज़्यादातर इसी में मिलीबग कीट अटैक करता है। तो फ्रेंड, आप सबसे पहले क्या करें, अगर आपके पौधे पे कलियां आई हुई हैं तो आप ये काम मत करिए, लेकिन अगर आपके पौधे पे कलियां नहीं हैं तो आप अपने पौधे की ऊपर का ये सिरा होता है जहाँ पे मिलीबग कीट लगी हुई है, तो आप इसको यहाँ से तोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ पर आपके ये कीट लगा हुआ है तो आप उतना उतना हिस्से इसका हटा दीजिए। फिर आप इस पर नीम ऑयल या नीम खली से इसकी स्प्रे करके इसकी कोटिंग कर दीजिए 2-3 बार, तो आपका मिलीबग का इसके ऊपर, फिर पौधे के ऊपर अटैक नहीं होगा। आप फ्रेंड, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप कोशिश करिए कि हम कोई केमिकल का यूज ना करें, क्योंकि पौधे हम लोग भी छूते हैं, वो बच्चे भी छू सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कोशिश करें कि हो सके तो हम कुछ इस तरह के तरीके निकालें जिससे पौधा हमारा स्वस्थ भी रहे और हमें इन कीटों से बचाव भी मिल सके। फ्रेंड, तो सबसे पहले तो आप इस पे पानी का स्प्रे करिए, पूरे पौधे को अच्छी तरह से इसको धो दीजिए, ताकि ये, क्योंकि मैं तो इनको यहाँ से नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पौधे पर बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। इस टाइम फ्लावरिंग समय चल रहा है पौधे का। अगर आप इसकी रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे आपको पता चले किसी भी पत्ती पर या टहनी पर, तो आप उसको तुरंत हटा दीजिए। इस तरह से अगर रोज़ रिपोर्टिंग करेंगे पौधे की, तो आपके पौधे पर कीट का इतना ज़्यादा असर नहीं होगा और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे पानी का स्प्रे करके देखते हैं कि किस तरह से इसको इस तरह से पानी का स्प्रे करके आपको इनको हटा देना है पूरी तरह से। आपका बड़ा पौधा है तो आप पानी की जो स्प्रे, बोतल वाली स्प्रे होती है, उससे ना करके आप रबड़ की जो बॉल होती है उसको डायरेक्ट आप नल में लगाइए, और उससे आप इसको हटा सकते हैं, धो सकते हैं पूरे पौधे को इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, दूर करो दूर करो, इस तरह से आपको काफी कस के प्रेशर देना है। अगर आप इस तरह से हफ्ते में 2-3 बार आपको मिलीबग दिखे तो आप इस तरह से पानी का स्प्रे कर दीजिए, पूरे पौधे को अपना धो दीजिए, तो धीरे धीरे मिलीबग खत्म होने लगता है। और इसमें नीम ऑयल की कोटिंग भी कर सकते हैं। अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो मैं आपको और दूसरी चीज़ बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको, इसकी कोटिंग करके आप मिलीबग्स को हटा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये नीम खली है और बीज वाली दुकान पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और ये फ्रेंड सोया सॉस है, आप इसका भी प्रयोग अपने पौधे में कर सकते हैं। आप किसी भी किराने की दुकान से इसको बहुत ही सस्ते रेट पे आपको ये भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है फ्रेंड, 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम करीब इसको फुला दीजिए, और एक दिन के बाद जब वो फूल जाएगी तो आपको एक बोतल में उसको छान के भर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पहले से नीम खली का फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा हुआ है। अब मैं अपने पौधे पर इसकी कोटिंग करूंगी, और हफ्ते में आपको 2 बार इसका स्प्रे करना है। इसके बाद जब पत्तों पे इसके अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी तो फिर आपके पौधे पर मिलीबग कीट का अटैक नहीं होगा। फ्रेंड, इस तरह से आपको अपने पौधे पर इसका स्प्रे करना है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम ऑयल से भी स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधे पर।
ये देखिए फ्रेंड, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि आप किस तरह से नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म बनाकर, और उसको अपने पौधे पर स्प्रे करके पत्तियों पर उसकी कोटिंग कर सकते हैं, तो इसी तरह से ये जो सोया सॉस है इसके 2 ढक्कन आप 1 लीटर पानी में डाल लीजिए और हफ्ते में 2 बार आप इसका स्प्रे अपने पौधों पर करिए, तो आप जो मिलीबग कीट है वो आपके पौधे पर अटैक दोबारा नहीं करेगी। बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपको अपने पौधे को बचाने का। और फ्रेंड, मिलीबग कीट के साथ चींटियां भी आती हैं, तो फ्रेंड उनका भी आप इसी तरह से जब आप इन दोनों चीज़ों का स्प्रे करेंगे, इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड, तो वो चींटियां भी धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगी। और इसकी जो महक होती है वो इतनी तेज़ होती है कि कोई भी कीट इसके पास नहीं आएगा और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अगर आपके पौधे पर मिलीबग कीट ने अटैक किया हुआ है तो आप पानी की तेज़ धार से हफ्ते में 2 बार अपने पौधे को अच्छी तरह से धो दीजिए, तो इससे भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि नीम खली या नीम ऑयल हो तो आप इसकी कोटिंग करिए अपने पौधे पर 2 बार हफ्ते में, तो इससे भी बचा जा सकता है। और जैसे घर में कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है, सिरका है और सोया सॉस है, आप इनका 2 ढक्कन पानी में इनको डाल दीजिए और इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर थोड़ी सी जानकारी दे सकूँ थोड़ी बहुत। फ्रेंड, तो थैंक यू।